हे गाइस वेलकम बैक टू द ट्री एनलाइटनमेंट इज ये वीडियो में हम लोग देखने वाले ऑल अबाउट स्पॉट राउंड ऑलरेडी स्पॉट राउंड क्या होता है किसने अप्लाई करना चाहिए कब अप्लाई करना चाहिए क्यों अप्लाई करना चाहिए सब कुछ एंड टू एंड सब कवर करेंगे ये वीडियो में ऑल्सो प्लीज नोट स्पॉट राउंड अलग होता है मैनेजमेंट कोटा वाली सीट अलग होती है ऑलराइड अंडरस्टैंड द डिफरेंस पूरा देखने वाले ये वीडियो में एंड तक जरूर देखना कुछ भी डाउट रहेगा एज यूजल इन द कमेंट सेक्शन बिलो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पॉट राउंड स्पॉट राउंड क्या होता है बेसिकली तो स्पॉट राउंड मतलब क्या है कि हर एक कॉलेज के कैप राउंड टू के बाद कैप राउंड थ्री के बाद सब कुछ करने के बाद भी देर आर अ फ्यू कॉलेजेस जिनके वेकेंट सीट्स रहते हैं जो वो सीट्स भर नहीं पाए राइट right? तो क्या होता है कि वो उनके जो वेकेंट सीट्स है उसके एडमिशन प्रोसेस के लिए खुद का एक प्रोसेस स्टार्ट कर दे दैट इज स्पॉट राउंड तो दैट कैन बी ऑनलाइन दैट कैन बी ऑफलाइन ऑल राइट दोनों हो सकता है तो स्पॉट राउंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि जो भी वेकेंट सीट्स रहते हैं कैप राउंड टू के बाद कैप राउंड थ्री के बाद तो मैं कैप राउंड टू बोल रहा हूँ वो देखेगी आगे क्यों तो उसके बाद जो भी वेकेंट सीट्स रहते हैं ये ऑफिशियली हर एक कॉलेज इंडिविजुअली उनके वेबसाइट पर डालेंगे तो दैट इज स्पॉट राउंड प्लीज नोट कि कैप राउंड कैसे होता है कैप राउंड इज नथिंग बट कॉमन फॉर ऑल कॉलेजेस ज तुम सीई में मार्क्स अच्छे लाओ सी में मार्क्स अच्छे लाओ थ्रू कैप राउंड बेस्ड ऑन योर रैंक बेस्ड ऑन योर स्कोर बेस्ड ऑन योर योरसेंटेज यू गेट दी अलॉटेड कॉलेज जो भी तुमने प्रेफरेंस वाइज फील किया है बस दैट्स इट कैप राउंड का हो गया खत्म बट स्पॉट राउंड में हर एक नहीं मुझे पुम्बा चाहिए मुझे ये ये कॉलेज मिला है हर एक कॉलेज का इंडिविजुअल प्रोसेस रहेगा ठीक है तो स्पॉट राउंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस इंडिविजुअल प्रोसेस रहेगा तो तुम तुमको कॉलेज शॉर्टलिस्ट करने पड़ेंगे तुम ऐसे नहीं कर सकते कि कैप uh, राउंड में कैसे कि मैंने जैसे बोला था कि सारे टॉप के कॉलेजेस पहले फील करो जिन्होंने भी हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे वैसे स्पॉट राउंड में नहीं कर सकते क्योंकि कुछ कुछ कॉलेजेस तुम्हें फिजिकली वहां प्रेजेंट रहने बोलते तो ऑब्वियसली यू कैन बी फिजिकली प्रेजेंट एट ईच एंड एवरी कॉलेज ठीक है तो ये बेसिक डिफरेंस है एंड अंडरस्टैंड की आई होप यू हैव अंडरस्टूड स्पॉट राउंड क्या होता है ठीक है तो हु कैन अप्लाई basically everyone can apply, everyone, each and everyone can apply for spot round. ठीक है कोई भी apply कर सकता है तुम्हें cap round वन में college मिला है टू में मिला है थ्री में मिला है वो भी apply कर सकते हैं नहीं मिला है तो obviously तुमने करना ही चाहिए ठीक है कि spot round में कोई भी apply कर सकता है जैसे तुम्हें cap round थ्री के बाद भी let's say एम मिला है for example तुम्हें चाहिए पुम्बा तो यू कैन हंड्रेड परसेंट अप्लाई फॉर स्पॉट राउंड तुमको उतना विजिलेंट रहना पड़ेगा तुमको कंटिन्यूसली उनकी साइड देखनी पड़ेगी पुम्बा की ठीक है कि अच्छा स्पॉट राउंड कब स्टार्ट हो रहे हैं क्या प्रोसेस रहेगी ऑनलाइन फॉर्म भरना है क्या जनरली ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है मैं बताऊंगा कि प्रोसेस कैसे रहती है वॉट एग्जैक्टली इज द प्रोसेस लेट्स अंडरस्टैंड ठीक है यहाँ पे मैं अगर बनाता हूँ एक तो तुम्हें इंडिविजुअली हर एक कॉलेज के वेबसाइट पर जाना होगा उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा ठीक है ऑनलाइन फॉर्म उधर रहेगा बड़े बड़े अक्षरों में वेकेंट सीट स्पॉट राउंड जो भी उन्होंने बोला है वहां पे समझ में आएगा ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद भी कभी कभी वो ऑनलाइन ही बता देंगे कि अच्छा बेस्ड ऑन योर मेरिट ये वो ये वो तुमको ये अलॉट कर रहे हैं हम लोग बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स इवन आफ्टर फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म यू हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट ये ना स्पॉट राउंड बहुत मतलब एम्बिग्यस रहता है गाइस कि इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है सीई सेल का नहीं है या क्योंकि हर एक इंडिविजुअल कॉलेज का है तो कॉलेज को तुम कॉल करोगे वो फोन पे कुछ और बोलेगे बोलेगे फिर नहीं 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 ये डेट को आ सकते हो पर वेबसाइट पे कुछ और डालेंगे तो इसलिए तुम्हें ना बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा बहुत एकदम फोकस्ड रहना पड़ेगा प्लस तुम्हें बहुत हाथ पैर मारने पड़ेगे बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेगे एंड विच आई फील करो

पुम्बा और वेलिंग करके लिए ट्राई करना है फॉर एग्जाम्पल एक कॉलेज मुंबई में एक पुणे में दोनों के डेट सेम डे पे आई कैसे प्रेजेंट रह सकते हो क्योंकि तुम्हें खुद को जाके वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ता है तुम ऐसे नहीं कि रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हो तो तुम्हें ठीक से रिसर्च करके जैसे हमने पिछले वीडियो में डाला है हाउ टू चूज़ एन एम कॉलेज वो भी देखो सब कुछ शॉर्ट करो ठीक से एंड देन यू डिसाइड कौन से कॉलेज के पास जाना है ठीक है एंड लाइक इन दिस पॉइंट हु कैन अप्लाई एवरी वन सब अप्लाई करना चाहिए इफ यू आर ट्राइंग फॉर अ बेटर कॉलेज ऑब्वियसली वैन कैन यू अप्लाई दिस इज इंपॉर्टेंट वेन जनरली कैप राउंड टू के बाद ही टू हा नॉट थ्री प्लीज नोट कैप राउंड टू के बाद ही वेबसाइट चेक करना स्टार्ट करो क्योंकि एक आइडिया आने स्टार्ट होती है कॉलेजेस को ना ये इतने इतने सीट वेकेंट रह सकते हैं वो एटलीस्ट नोटिफिकेशन आउट कर देगे कैप राउंड टू के बाद फ्टर कैपराउंड टू इट सेल्फ डोंट वेट फॉर कैपराउंड थ्री कैपराउंड टू के बाद जो भी तुम्हें कॉलेज मिला है सपोज एथ रैंक कॉलेज मिला है तो उसके ऊपर तुमने जो जो कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट किए वॉट एवर कॉलेजेस यू आर शॉर्ट लिस्टेड सबके वेबसाइट चेक करते रहो एवरी डे कीप चेकिंग ऑब्वियसली विल बी देयर टू हेल्प यू गाइड यू कुछ भी डाउट्स रहेगा एज दम इन द कमेंट सेक्शन बट यू हैव टू बी वेरी एक्टिव वेरी विजिलेंट मतलब हर जगह पूछते रहो कॉलेजेस को कॉल करो बट जैसे मैंने बोला कॉल पे कुछ और बोलेगे वेबसाइट पे कुछ और डालेंगे, ठीक है बहुत मेहनत का काम है बहुत हाथ पैर मारने पड़ेगा एंड अगर तुम चाहते हो कि नहीं मुझे सी में ही अच्छा स्कोर करना चाहिए था मुझे सीमेट में ही अच्छा स्कोर करना चाहिए था जो 2024 ट्वेंटी टारगेट कर रहे तो वी हैव ऑफिशियली नाउ स्टार्टेड आर लाइक सारे बंडल्स आर नाव लाइफ फॉर नॉन कैट 2024 सारे ऑफिशियली एंड उट दसली बिफोर एनरोलिंग बट फोर्टी से न्यू बैच स्टार्ट हो रही है एंड बिकॉज इट्स एन इंडिपेंडेंस डे वीक तो हम लोगों ने कुछ ऑफर भी डाले हैं तो यू कैन चेक द ऑफर ऑन द स्क्रीन तुम्हें दिखेगा यूज दैट कोड गेट द डिस्काउंट पर डिस्काउंट देख के तुरंत एनरोल मत करो ऑब्वियसली चेक आउट द ट्रायल फर्स्ट देन इफ यू फील कि हाँ सही है देन देन ओनली ओनली एनरोल यूज द कूपन कोड जैसे मैंने बोला यू कैन अप्लाई के बाद स्टार्ट करो देखना अभी एक और जो जनरल क्वेश्चन आता है कि सर पर मैंने एडमिशन और ऑलरेडी ले ली थी एक पर्टिकुलर कॉलेज में मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स उधर है तो क्या होगा इट्स फाइन इट्स फाइन ठीक है डॉक्यूमेंट्स उनको अगर तुम्हें बेटर कॉलेज मिलता है स्पॉट राउंड थ्री तो उनको डॉक्यूमेंट्स देना जरूरी है बट बस मेक श्योर sure कि तुम्हें क्या करना पड़ता है कि तुम्हें अभी तुम स्पॉट राउंड थ्रू एडमिशन लोगे ना तो वहां पे इट्सल्फ तुम्हें फीस पे करनी पड़ती इतना ध्यान दो तो उतना बैलेंस रखो अकाउंट में डीडी वगैरह मत बनाओ क्योंकि कैसा है कि तुम्हें पता नहीं कि एडमिशन मिलने वाली तुम डीडी बना के लेके जाओगे चेक बुक लेके जा सकते हो या एटलीस्ट तुम्हारे अकाउंट में रखो उतना पैसा एंड जो प्रीवियस कॉलेज की ठीक है जहां पे तुमने एडमिशन ली वो रिसीट देंगे ठीक है वो रिसीट लेके आओ ऑल राइट right, जब नए कॉलेज में एडमिशन लेने आओगे तो वो रिसीट लेके आओ प्लस उन्होंने कुछ एडमिशन अगर कुछ डॉक्यूमेंट दिया है वो भी लेके आओ कि हाँ मैंने एडमिशन ली थी सर या मैम तो मेरे डॉक्यूमेंट्स उधर है दिस विल एक्ट एज अ प्रूफ एंड देन यू कैन एज एंड एन वेन तुम्हारा यहाँ पर अभी नए कॉलेज में एडमिशन होता है तो तुरंत प्रीवियस कॉलेज में तुम एक मेल डालो फोन करो ऑफिशियली मतलब अगर पास में तो जाके आओ कि मुझे मेरा एडमिशन कैंसिल करना है प्लीज गिव माय डॉक्यूमेंट्स बैक आई होप दिस इज क्लियर ठीक है दिस इज इंपॉर्टेंट तुम्हें डॉक्स कैरी करनी होगी तुम्हें कुछ भी डाउट्स रहेगा रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स यू कैन आस दम इन द कमेंट सेक्शन उस पर अलग से वीडियो बना सकते हैं इफ यू वॉन्ट बट बेसिकी डॉक्यूमेंट जैसे मैंने बोला कि कुछ तो एडमिशन तुमने प्रीवियस कॉलेज में ली तो वो कॉलेज ने कुछ डॉक्यूमेंट दिया होगा प्लस फीस का रिसिप्ट कैरी इट टू द न्यू कॉलेज ऑलराइट रिजर्वेशन होती है क्या स्पॉट राउंड में हंड्रेड परसेंट यस हंड्रेड परसेंट रिजर्वेशन नहीं यस yes. तो जैसे जैसे अभी लेट से कि सपोज जे बी में फॉर एग्जाम्पल या कोई और कॉलेज लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर पुम्बा में अभी जैसे पर्टिकुलर कॉलेज का सीट मैट्रिक्स है जैसे इनका अगर इनटेक 180 है उसमें उन्होंने बोला कि हमारे पास 15 ओपन कैटेगरी के चार एस के एग्जाम्पल दे रहा हूँ uh, ये ओपन है जनरल कैटेगरी के तीन ओ के दो एस के ऐसे सीट्स बाकी है तो तुमको मतलब वो कैटेगरी वाले मतलब स्टूडेंट्स ले लेंगे अगर उनके पास चार एस वाले स्टूडेंट्स आते तो वो चार एस वालों को मिल जाएगा एडमिशन ठीक right? है इसलिए यू नीड टू बी वेरी विजिलेंट और ऑब्वियसली पाँच एस वाले स्टूडेंट्स आते तो वापस से मेरिट वाइज लेंगे वो वापस से ओपन वाले आएंगे तो फिफ्टीन ओपन की सीट्स उनको भरने ही पड़ेंगे अगर आ रहे हैं उनके पास बट चौदह ही आए ऑब्वियसली तो वो चौदह लोगों को ही लेंगे वापस से एक सीट बचेगा उनका अगेन कमिंग टू द पॉइंट देयर कैन बी मल्टीपल स्पॉट राउंड्स ये भी एग्जाम्पल से समझ रहा है जैसे मतलब पहले स्पॉट राउंड के बाद एक सीट उनका बचता ही है ओपन में देन देल अगेन इंट्रोड्यूस अ न्यू स्पॉट राउंड देल स्टार्ट अ न्यू स्पॉट राउंड ठीक है मल्टीपल स्पॉट राउंड्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कॉलेजेस ठीक है जितना अच्छा कॉलेज उतना जल्दी फिल हो जाएगा ऑल एट स्पॉट राउंड फुल हो जाएंगे वैकेंसी रहेगी नहीं सीट्स में आई होप दैट इज क्लियर ऑलरेडी गाइस right कुछ भी डाउट रहेगा आज दम इन द कमेंट सेक्शन बिलो यही डिस्कस करना था पूरे वीडियो में तुम्हें तभी भी लग रहा है कि स्पॉट राउंड रिलेटेड कुछ डाउट्स है आज दैम इन द कमेंट सेक्शन बिलो इफ यू लाइक द वीडियो डों फेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन शेयर करो सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डेली बेसिस पे क्विजेस तो आ रही है प्लस अभी करंट अफेयर्स की भी क्विज आ रही है वो कैप शीट्स जिसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स करेक्टली स्पेल्ट वर्ड्स फ्रेजेस प्रोवर्ब ईडीएम्स जो एक्चुअली आता है सीई टी एग्जाम में पिछले तीन सालों से बहुत आ रहा है वो हम लोग कवर करते हैं प्लस इंस्टाग्राम की स्टोरीज में डेली डेली न्यूज एनालिसिस डाल रहे है जो तुम्हें जैट स्नैप सी मैट ऐसे जहाँ पे भी जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चन आते हैं बहुत हेल्पफुल रहेगा एंड यूट्यूब पर तो देते ही है डेली अपडेट्स या जो भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स है या जो भी इंफॉर्मेशन देनी है कुछ भी डाउट्स रहेंगे कुछ भी डाउट्स आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड ऑल्सो जैसे मैंने बोला वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच फ्रॉम फोर्टीन ऑगस्ट डू चेक आउट द ट्रायल लेस बिफोर एनरोलिंग एंड हमारा इंडिपेंडेंस डे वीक सेल भी चालू है तो वो भी देख लेना दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो